अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2000 रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग के लिए एक बड़ी खबर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, लो आ गई बड़ी खबर, दिसंबर में होगी परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपका यूपी टेट 2019 आपके दिसंबर में पेपर होने के पूरे हैं। ऐसा पढ़ते हैं पूरी खबर दोस्तों। यूपी टेट 2019 परीक्षा सीटेट के बाद होगी संपन्न, माह के अंत या अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी हो जाएगा शासनादेश। देखिए दोस्तों, आज तो पूरी खबर क्या है इसको हम देखने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे हम कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, रजिस्ट्रेशन कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फीस क्या होती है दोस्तों, और यूपी टेट में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए दोस्तों, हर पहलू पर बात होगी। सबसे पहले दोस्तों आज के न्यूज पेपर की सबसे बड़ी खबर क्या है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा या यूपी टेट 2019 अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के बाद होगी। परीक्षा संस्था व एनआईसी की बैठक में संभावित तारीखों पर मंथन हो चुका है। इस माह के अंत तक या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में शासनादेश जारी होने की उम्मीद है। उसी के साथ ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा भर्ती यानी एनआईसी का निर्देश है कि टीटी वर्ष में दो बार कराई जा सकती है, लेकिन यूपी में यह इम्तिहान एक ही बार हो पाता है। वजह उसका कार्यक्रम तय होने में ही लंबा वक्त लगता है। इस वर्ष यह परीक्षा पहले अक्टूबर में कराने की तैयारी हुई, फिर नवंबर में होने की उम्मीद बढ़ी, फिर सारी कवायद परीक्षा संस्था के स्तर पर शासन व एनआईसी इस संबंध में मौन रहे, इसलिए अब परीक्षा दिसंबर में होने के पूरे आसार हैं। परीक्षा संस्था व एनआईसी ने दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में परीक्षा की संभावित तारीखों पर मंथन कर लिया है। संकेत है कि जल्द ही औपचारिक ऐलान होगा। उल्लेखनीय है कि सीटेट 8 दिसंबर को होना प्रस्तावित है और आवेदन लेने की प्रक्रिया अंतिम चरण में दोस्तों चल रही है। जी हाँ दोस्तों, अब सीटेट का पेपर आपका दिसंबर में होने वाला है, तो उसके लिए दोस्तों आपको तैयार रहना है। उसके बाद दोस्तों सीटेट दिसंबर में होगा तो यूपी टेट भी अब दिसंबर में होगा, ठीक है दोस्तों। तो मतलब आपको यूपी टेट और सीटेट दो बड़े पेपर आपको दोस्तों दिसंबर में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों अपने जो तैयारी का स्तर है, लेवल है, उसको अच्छे से करते रहिए। तो दोस्तों देखिए, यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, देखिए ये आपका सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक दोस्तों ये आ सकता है। पहला क्वेश्चन क्या करिए, तो दोस्तों उसके बाद जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा दोस्तों, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है, अगर आपका पेपर दिसंबर माह में होगा तो यूपी टेट का रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों देखिए, यूपी टेट का रिजल्ट उतनी जल्दी वैसे आता नहीं है, तो उसके बाद दोस्तों उम्मीद करते हैं अगर दिसंबर में पेपर होने के बाद आपका रिजल्ट फरवरी तक आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर थोड़े बहुत कोर्ट केसेस में ये मामला फंसता है यूपी टेट का, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गलत आते हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पर दोस्तों आपका जो रिजल्ट आता है यूपी टेट का, वो अधिकतर लेट हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है यूपी टेट का एडमिट कार्ड कब तक जारी हो सकता है। देखिए यूपी टेट का दोस्तों जो एडमिट कार्ड जारी होगा वो नवंबर वीक में हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, नवंबर लास्ट तक आपका एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यूपी टेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए यूपी टेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सिंपल सी वही है जो पिछले साल हुआ करती थी दोस्तों, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, एक और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी टेट के पैटर्न को लेकर, क्या है न्यू पैटर्न, ठीक है। देखिए दोस्तों बात ये हो रही है कि इस बार जो यूपी टेट की मैथ आती है 30 नंबर की, उसमें दोस्तों 15 अंकों की पेडागोजी हो सकती है। देखिए अभी तक ऑफिशियल सिलेबस या ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन दोस्तों इस बार 15 अंकों की पेडागोजी, 15 अंकों की मैथ, जी हाँ दोस्तों 15+15 में पेपर आपका देखने को मिल सकता है। तो आप लोग को तैयार रहना है, जैसा भी पेपर आएगा दोस्तों आपको करना है, तो उसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों जो यूपी टेट की फीस होती है वो 400 रुपए से लेकर 200 रुपए तक हो सकती है। 400 रुपए दोस्तों आपके जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ठीक है, और 200 रुपए आपके एससी और एसटी भाइयों के लिए। अब दोस्तों यूपी टेट की जो पासिंग मार्क उसको देखेंगे और यूपी टेट में पढ़ाई कैसे करना है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यूपी टेट की फिलहाल पासिंग मार्क आपके दोस्तों 82 और 90 नंबर होता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं। 82 नंबर के लिए दोस्तों आप लोग पढ़ाई मत करिएगा, नहीं तो फिर 82 भी आना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। 82 नंबर आपके ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए होता है। अगर दोस्तों ये अपने 90 नंबर लाएंगे तो जनरल कैटेगरी में पास होके दिखा सकते हैं, ठीक है। 90 से कम नंबर पर आप यूपी टेट में पास नहीं हो पाएंगे जनरल कैटेगरी में। 89 नंबर लाख के बच्चे फेल हो जाते हैं, तो आपको ऐसी पढ़ाई करनी है कि जो आप 90 के मतलब बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर मत आइएगा, नहीं तो दोस्तों एक दो बच्चे ने हजारों बच्चों के साथ दोस्तों हर साल यही होता है, 89 नंबर आता है और वो बच्चे फेल हो जाते हैं। तो आपको ये इस बात का अच्छे से या विशेष ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि यूपी टेट में पढ़ाई कैसे करें। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन अब हम लोग करेंगे।
अब तो हमने जान लिया कि आपका पेपर दिसंबर माह में होने वाला है। कम से कम आपकी एक टेंशन खत्म हो चुकी दोस्तों, कि अभी तक ये लग रहा था कब पेपर होगा कब होगा। देखिए दोस्तों यूपी टेट मैथ, देखिए दोस्तों यूपी टेट की जो हमने मैथ का सिलेबस है पूरा पूरा 100% दोस्तों कवर कर दिया है, ठीक है ना। यूपी टेट मैथ में तो मैथ में दोस्तों आपके लिए दो मॉडल पेपर बन चुके हैं, तीसरा चौथा पांचवा दोस्तों आज के आज। जी हाँ दोस्तों आज ही आपको दोस्तों यूपी टेट में मॉडल पेपर, ठीक है, 1 to 5 दोस्तों। जी हाँ दोस्तों 5 मॉडल पेपर तुरंत आपको मैथमेटिक्स के, आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिंक दिया जाएगा फिलहाल 2 मॉडल पेपर का, उतने आपको देखना है। उसके बाद दोस्तों 3 और दे दिया जाएगा दोस्तों। जब आप लोग इन 5ों मॉडल पेपर को देख लेंगे यूपी टेट लेवल का, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा दोस्तों जो बाहर से आ जाएगा, सारे क्वेश्चन मतलब मिलते जुलते आपको दिखेंगे। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग अच्छा वर्क कर रहे हैं कि आपका जो यूपी टेट में मॉडल पेपर और जैसे पढ़ाई होनी है वो एक अच्छे स्तर पर हो सके दोस्तों। अभी तक होता क्या रहा दोस्तों कि हम लोग पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं कर पा रहे थे, रीजन हो रहा था कि सी टेट यूपी टेट और डेट कंफर्म नहीं थी। अब दोस्तों हमारी डेट कंफर्म हो चुकी है तो मतलब अब आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और अच्छे स्तर पर शुरू कर सकते हैं। समय दोस्तों अब ज्यादा तो नहीं है, 2 महीना बचेगा दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। तो ये 2 महीने में दोस्तों आप लोग इतनी अच्छी तैयारी करिएगा कि आपको यूपी टेट में कम से कम आपका जो पासिंग मार्क उतने का आंकड़ा डाक सके। क्योंकि हर साल दोस्तों होता क्या है, 20 लाख लड़के अगर पेपर देते तो उसमें जो पासिंग मार्क आते दोस्तों मुश्किल से 2 से 3 लाख बच्चे पास हो पाते हैं, और बाकी बच्चे दोस्तों मतलब 18 से, ठीक है, 17 से 18 लाख बच्चे फेल होते हैं यूपी टेट में। तो दोस्तों इतना बेकार रिजल्ट आता है यूपी टेट का, तो मतलब आपको जो पढ़ाई करनी है ऐसी करनी है कम से कम आप पास के दायरे में तो आ ही जाए, क्योंकि पास हो जाएंगे तो ठीक रहेगा, एक सर्टिफिकेट होगा, बार बार की टेंशन खत्म होगी दोस्तों। और हो सकता है कि इस बीच कोई सुपर टेट का फॉर्म है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अभी हम आपसे एक और बात कहेंगे, अगर अभी तक आपने सी टेट का फॉर्म नहीं डाला तो सी टेट का डाल दीजिए, सी टेट ज्यादा बेटर होता है। रीजन क्या दोस्तों सी टेट का अच्छा होने का, सी टेट का दोस्तों अगर आप एक बार पेपर देखना सी टेट में ये फायदा होगा आपको, सी टेट या यूपी टेट, काफी बच्चों की ये भी सवाल आ रहे थे क्योंकि कुछ बच्चे उतने पैसे वाले नहीं होते तो एक ही फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं। दोस्तों देखिए सी टेट का एक तो पहला रिजल्ट, जी हाँ दोस्तों रिजल्ट बिल्कुल टाइम टू टाइम आता है, ठीक है, डेट कंफर्म है कि पेपर कब होगा। अभी यूपी टेट का दोस्तों कुछ भी कंफर्म नहीं है, अभी यूपी टेट का दोस्तों जो रिजल्ट हो सकता है वो 1-2 साल डिले भी हो सकता है, क्योंकि हर साल दोस्तों देखिए यूपी टेट 2017 में कोर्ट केस लंबे समय तक चला, 2018 में दोस्तों कोर्ट केस हुआ, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। देखिए यूपी टेट का पेपर आसान आता है तो मतलब यूपी टेट में तो मजा आएगी आपको नंबर स्कोर करने में। जी हाँ दोस्तों ये आपका स्कोरिंग पेपर होता है, मतलब अगर आप लोग सी टेट में 100 नंबर पाते हैं तो यूपी टेट में 110 से लेके 120 नंबर आप बना सकते हैं। ये बात तो दोस्तों हम कहते हैं कि यूपी टेट आपका स्कोरिंग पेपर है तो इसका फायदा आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों होता है ना कभी कभी यहाँ पर जो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ बच्चों के अंदर सब्र नहीं होता है, उनके लिए यूपी टेट उतना अच्छा नहीं माना जाता दोस्तों। अभी देख रहे होंगे सुपर टेट का पेपर हुआ था, 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, सभी को दोस्तों नौकरी के लिए तो कर रहे होंगे यूपी टेट सी टेट, 69,000 शिक्षक भर्ती। दोस्तों आप ही भी आपकी कोर्ट केस में फंसी पड़ी है, पता कर लीजिए दोस्तों कब से, मतलब 6 जनवरी 2019 को इसका दोस्तों पेपर हो गया था सुपर टेट का दोस्तों, लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं आ पाया। आप लोग सोचिए लगभग 1 साल होने को आ चुके हैं अभी तक इसका रिजल्ट नहीं है, 69,000 शिक्षक भर्ती। तो दोस्तों वही कह रहे हैं जो आपकी यूपी लेवल की जितनी भी वैकेंसियां आती हैं तो वहां पर थोड़ा कोर्ट केसेस होता है दोस्तों, थोड़ा समय लगता है, तो आप लोग उसी आधार पर उसकी तैयारी करिए। लेकिन दोस्तों अगर आप एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो सी टेट को अच्छे से पढ़िए, बहुत ही अच्छा डीपली पढ़िए, जितना अच्छा दोस्तों सी टेट कवर कर ले जाएंगे उतने अच्छा स्कोर आप यूपी टेट में कर सकते हैं। दोनों पेपर अब दोस्तों देखिए आसपास होने वाले, पहले आपका सी टेट का होगा उसके बाद आपका यूपी टेट का, तो मतलब ज्यादा समय दोस्तों आपके पास नहीं बचा है, तैयारी दोस्तों आप लोग अच्छे से करिए। तो आपको मॉडल पेपर देने की जिम्मेदारी हमारी होगी, पूरा सिलेबस कैसे कवर करना है दोस्तों वो हम देखेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना कि सी टेट यूपी टेट में पढ़ाई कैसे करनी। जी हाँ दोस्तों पढ़ाई के लिए दोस्तों आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि पढ़ना कैसे कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज से आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, और जैसे कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, कि कौन से सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है उसकी अलग अलग वीडियो से आपको मिलना शुरू हो जाएगी। फिलहाल हमारा पहला टारगेट दोस्तों, क्या टारगेट दोस्तों हमें अचीव करना है, सबसे पहले दोस्तों हमने सोचा है कि आप लोग के मैथ को खत्म कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों यूपी टेट में मैथ सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, अगर आप लोग कोचिंग में जाते हैं तो वहां पर वैसे क्वेश्चन नहीं बताए जाते जो पेपर में आते हैं, वहां पर दोस्तों बिल्कुल आपको बेसिक क्वेश्चन बताए जाते हैं जो कभी पेपर में पूछे ही नहीं जाते इतने आसान क्वेश्चन। और लेकिन दोस्तों जो पेपर का आपका लेवल हो चुका है वो काफी हाई हो चुका है, तो मतलब दोस्तों अगर जब तक आप लोग कठिन प्रश्नों की तैयारी नहीं करेंगे
तब तक आपका यूपी टेट हो या सी टेट निकलना है मुश्किल होगा। तो दोस्तों आज से तैयारी आपकी शुरू करना है। अगर आप लोग को हमारे साथ जुड़ना है तो दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर इसको ले लीजिए। यूपी टेट में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 8738079216। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आपको मैथ की वीडियोस प्रोवाइड करा दी जाएंगी। 8738079216 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और आपका यूपी टेट का पेपर दिसंबर में होगा।